लेकिन थोड़ी सी होती तो है शरारत करने को तो मासूमाना तरीके से आ इन आ। आप, वो हाँ। आप अपने गेस्ट से वो बात निकलवाने है जो कि आपस में लड़ते हैं और इतनी पोलर हमारी पोलिटिकल पार्टीज के बीच में अनफॉर्चुनेटली रिलीजन में भी दौण 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 है so, हाउ डू यू कीप इट ऑल टुगेदर और किस तरह होता है कि आपके सेट पर मुख्त फ़िकों के मौलाना बैठे होते हैं डिफरेंट था आते हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि कोई इसका मश हो जाए या बदमसगी हो जाए लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती है मैं अपने नहीं ले रहा लेकिन आई थिंक इसमें होस्ट पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको पता है कि आप यानी जाहिर कुछ चीजों पर राय मुख्तलिफ तो है जाहिर yeah. सी बात है एंड इज नथिंग रॉन्ग इन इट आई थिंक राइट मतलब दुनिया की किस चीज में दो राय नहीं ये तय है कि वो जिन चीजों पर राय मुख्तलिफ है वो मसाइल टेलीविजन पे दस मिनट बात करके हल नहीं होने वाले right. ये तो हो सकता है कि मैं कोई शोशा छोड़ू और दो लोगों की बहस कराऊं और उसका फिर जब मैं सोशल मीडिया पे डालूं तो उसके अच्छे से कैप्शन के साथ तो चार मिलियन व्यूज आ जाए ये हो सकता है मसला हल नहीं होने वाला मसला और बढ़ेगा नीचे लोगों में भी डिवाइड बढ़ेगा एंड आई थिंक इट इज द पर तो, नहीं है, 1, 2 पर है. तो मुझे सिंपल लॉजिक टू इट क्या पाकिस्तान की सोसायटी के बाकी सारे मसले खत्म हो गए क्या क्या वालदेन के सारे हकूक अदा होना शुरू हो गए mm. पड़ोसियों के हकूक अदा हो गए बीवियों के हकूक शौरों के हकूक बच्चों के

Uh, वो मैं इंजॉय उसमें मेहनत भी बड़ी लगती है हुँ. वो एक किस्सा होता है नौ दस मिनट का और एवरेज में तीन साढ़े तीन घंटे बट करता हूँ बच्चों का सेगमेंट जरा चैलेंजिंग बच्चे हैं ना <laughs> और हमारी सारे बच्चों के पेरेंट्स को कहता हूँ कि आपने बच्चे को ना कुछ सिखा के नहीं भेज रहे हैं ये तो हो सकता है कि मैं कह दूं कि सर कल हम बात करेंगे अल्लाह की नेमतों पे तो जरा देख लीजिएगा ये ये तो अलग बात है लेकिन मैं उनको सख्ती से कहता हूँ कि यार बच्चे को बच्चा रहने दो वो कभी मैं उससे सवाल करूंगा जवाब आज जब आप प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही है तभी एक बच्ची को मैंने कहा कि असलामैक मुझसे बात करेंगे उसने कहा कहा नो नो मैं मैं प्लीज पेरेंट्स को कहता ऐसे ही रहने दो बच्चा है वो बच्चा ही रहे कभी उसका मूड अच्छा हो बहुत अच्छे से बात करे कभी वो पूरे सेगमेंट का पूरा कर दे चीख चीख के कभी वो किसी और की ना सुने से अपनी कहे

और मैं अमल पे बिलीव करता हूँ मैं बच्चे के साथ किसी बच्चे के साथ वही कर रहा होता हूं जो कोई मेरे बच्चे के साथ करे तो मुझे अफसोस ना मैं चाहता हूँ जब इस एज ग्रुप में था वो आता मैं उसको भी कहता था यार आज कोई ना सुना उसके साथ भी गपशप करता था ये बच्चों की मासूमियत छीनने का बात कैसे हो सकती है और विदाउट नेमिंग एनी बट एवरी कोई मसला नहीं गुजारिश एटलीस्ट फैक्चुअली करेक्ट ये तो ना करें अभी मैंने मुझे नजर से गुजरा इतना जुल्म हो रहा है सारी सारी रात बच्चे जाग रहे हैं नहीं जाग रहे हैं फैक्चुअली इन करेक्ट आई एम नॉट डिप्राइविंग यू फ्रॉम ओन ओपिनियन यू कैन द राइट भी फैक्ली इन करेक्ट बच्चे शान रमजान को बारह साल हो गए बारह दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चे कभी रात में आए हो कोई तो फैक्ट्रे अब ये बच्चा बेचारा सारी सारी रात जो है वो सेरी में नहीं, वो सेरी में में नहीं तो आता ही नहीं है बच्चा <laughs> अब ये बच्चा बेचारा सारा सारा दिन मजदूरी करेगा सारा दिन तो आता ही नहीं है बच्चा <laughs> बच्चे बच्चे अपने सेगमेंट सेगमेंट से से उस बल्कि के टाइम पहले बच्चे खुद आ जाते हैं हम कहते हैं अभी क्यों आगे तो टाइम है वो मजा आ रहा होता है तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे आए अच्छा जी और गांव के बच्चे को निकाल के शहर में शहर में नहीं पूरी दुनिया में जाना चाहिए उस बच्चे को क्यों ना जाए भाई एक बच्चा टैलेंटेड है मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए क्यों ना जाए पाकिस्तान का बच्चा है और क्यों ना उसको एक्सपोजर मिले सो so, मतलब मुझे नहीं समझ में आती है बात है बड़ी अच्छी एंड जब मैं कह रहा तो मैं तो इतने कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ बड़ा दावा नहीं कर रहा आई हैव अ गुड एग्जांपल टू कोट बच्चे का नाम है अहमद शाह आज से छह साल पहले जाइए सोशल मीडिया पे सब बड़ा हुआ है देखिए कि उसकी शनाख्त क्या थी उसकी शनाख्त थी

तो शायद कोई एक बात किसी को पसंद आ जाए और वो उस पर अमल कर ले तो शायद अल्लाह ताला तलाते अगर अल्लाह ने एक ऐसा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि जहाँ पर लोगों को मिलाने की साथ बिठाने की बात हो सकती है तो बस मुझे लग ये 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 ड्राइव है बेसिकली कि जब मुझे लोग कहते हैं कि जब मैं हजरत अबू मंसारी के मजार पर था और जब मैं वहां से निकला बाहर से तो एक साहब अपने बच्चे के साथ आ रहे थे उन्होंने कहा मैं तो झूठ नहीं बोल रहा मैं जगह पर खड़ा हूँ झूठ नहीं बोलूंगा इनका किस्सा मैंने पहली मरतबा आपकी नशरियात में सुना था hmm. मैं एक जगह ज्यारात पे था वहां मुझे किसी ने कहा कि ये बच्चा जो है वो जो नमाज पढ़ता है रेगुलरली अब ये आपकी ट्रांसमिशन से सीखा था मैं मेरा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें पूरा टीम एफर्ट दिस इज द ड्राइव फ्रेंकली Thank you so much, Asim. Thank, Thank you. you. Uh, we we'll let you go because pictures are time out. Because we are coming. I know everybody is on this crazy schedule, but yeah. thank you so much for your time. Thank you. So